नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेम जी वायरल टॉक्स में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टिकटॉक स्टार निशा गुरगेन के बारे में, जिनका एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आखिर वायरल कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। ये वीडियो टिकटॉक स्टार निशा गुरगेन के माध्यम से ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया है कि ये वीडियो उनके द्वारा स्नैपचैट पर अपलोड कर दिया गया था, जो कि गलती से किया गया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको उनका एक ऑडियो मैसेज सुना देता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये वीडियो उन्हीं से गलती से अपलोड हुआ है। ये बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को लीक किसने किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने किया है? फेक नहीं किया है, गलती से फेक हो गया। वीडियो कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे लीक हुआ था पहले? देखा नहीं, अभी तो बोला मैंने, स्नैपचैट पे। अच्छा अच्छा, स्नैप। तो आशा करता हूँ अब आपने वो ऑडियो मैसेज सुन लिया होगा, और वो अपनी गलती भी स्वीकार करती हैं कि ये गलत कार्य किया गया है और ये अपलोड जो किया गया है ये गलती से किया गया है। लेकिन अब ये वीडियो न जाने कितने लोगों तक पहुंच चुका है, जो कि बड़े मज़े लेकर एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, जो कि एक कानूनन अपराध है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और आप उस व्यक्ति की वीडियो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। और आप जिस चीज़ के मज़े ले रहे हैं उस चीज़ के कारण निशा गुरगेन बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं, उनके घर वाले भी इस चीज़ से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। और निशा गुरगेन ने अभी एक वीडियो में बताया है कि वो कुछ दिन से डिप्रेशन में आ चुकी हैं और वो डिप्रेशन की गोलियां भी खा रही हैं। डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं दवाइयां ले रही हूँ, और जो मैंने अपना करियर बनाया है वो पूरा स्पॉइल हो रहा है। तो गाइस प्लीज बंद कर दो ये सब, मत करो। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आपके पास वो वीडियो है तो आप उसे अपने फ़ोन से डिलीट मार दें। प्लीज़ शेयर तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शेयर करते हैं तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों, क्योंकि आपके हाथ में किसी व्यक्ति की जान है। क्योंकि आप नहीं जानते जब कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है वो किस प्रकार का स्टेप उठा सकता है। अगर आप तो इसी प्रकार से मज़े ले लेकर इस वीडियो को फैला रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर, ना जाने कितने सोशल मीडिया पर आप इस चीज़ को फैला रहे हैं, लेकिन इस सब से क्या पता निशा गुरगेन के ऊपर क्या बीत रही होगी। आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हो सकता है वो आगे जाके कुछ गलत स्टेप भी उठा सकती हैं। तो ये एक व्यक्ति की जान हमारे हाथ में है, हमको इस चीज़ को यहीं रोकना होगा। प्लीज़ अब आप इस चीज़ को ज़्यादा ना फैलाएं। हो गई गलती उनसे, वो भी स्वीकार करती हैं, और हम सबको भी ये मानना होगा कि हाँ, निशा गुरगेन से एक अश्लील वीडियो जो कि बहुत गलत काम था वायरल हो गया है। लेकिन दोस्तों अब आप इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दें प्लीज़, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है, और आपको मैं बता दूं कि उन्होंने टिकटॉक स्टार बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इतनी आसानी से 27 मिलियन फॉलोवर उनके नहीं हुए हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में जब टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते थे। उनकी काफ़ी वीडियोस बनाने के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके कारण वो फेमस हुई हैं, और जब जाके उनको 27 मिलियन फॉलोवर्स मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो काफ़ी एल्बम सॉन्ग्स भी कर चुकी हैं और कुछ ऐड भी कर चुकी हैं। निशा गुरगेन का करियर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती के कारण हो सकता है वो बर्बाद हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये उनका करियर बर्बाद ना हो, निशा गुरगेन का जीवन सुरक्षित रहे, वो कोई गलत स्टेप ना उठाएं, तो प्लीज़ आप इस जो भी ये काम हो रहा है, ये जो फैलाया जा रहा है इस चीज़ को, प्लीज़ आप ना फैलाएँ। आप सबसे मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, उनके परिवार और उनकी जान आप ही के हाथ में है। मैं भी मानता हूँ कि एक बहुत गलत काम किया गया है निशा गुरगेन के द्वारा, लेकिन दोस्तों बस अब आप रुक जाइए। अब जो भी कार्रवाई करनी है वो निशा गुरगेन के खिलाफ पुलिस, या फिर उनके घर वाले, या फिर उनके रिश्तेदार, या जो भी हैं वो करेंगे। अब आपको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, प्लीज़ आप इस चीज़ को रोक दें। आशा है आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे।
मेरी वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ संदेश दे सकूं, क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं ये कानूनन अपराध है, और आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति की जान को खतरा भी हो सकता है, तो आप ये चीज़ें ना करें बस।